नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर कुमार, आप देख रहे हैं YouTube चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा, मेरे पास एक सेट आया है सैमसंग का। इसका मॉडल नंबर आपको दिखा देता हूं, सैमसंग B110AD है दोस्तों। इसका मॉडल नंबर आपको दिख रहा होगा दोस्तों। इसमें प्रॉब्लम है, वाइड डिस्प्ले की प्रॉब्लम है दोस्तों। इसे मैं ऑन करा के दिखाता हूँ अभी दोस्तों। इसमें वाइड डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ रही है और दोस्तों इसका सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा दोस्तों आज की वीडियो में। दोस्तों मेरे चैनल पर आप आए नए आए तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो। इसका ऑन अभी खुल नहीं रहा दोस्तों, शायद बैटरी मेरी डाउन होगी। देखना दोस्तों, इसमें वाइड डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ रही है। सेट हमारा ऑन हो गया है दोस्तों, वाइड डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ रही है और दोस्तों इसका सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा आज की वीडियो में। दोस्तों वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों अपने सेट को खोल लेना है। खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रखना है और रखने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ हमें निकाल लेनी है। डिस्प्ले की लाइनिंग चेक करना है, कहीं वाटर डैमेज की वजह से इसकी आपको लाइनिंग भी चेक कर लेना है दोस्तों, कहीं हमारी कोई लाइनिंग तो मिस नहीं है दोस्तों। तो हमारे यहाँ पे दोस्तों लाइनिंग तो हमारी ठीक दिख रही है दोस्तों, तो लाइनिंग को भी एक बार साफ़ कर लेना है दोस्तों। साफ़ करने के बाद दोस्तों फिर हमें दोस्तों यहाँ पे ये वाली प्लेट हमें हटा लेनी है। इसकी प्लेट हटाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखना, यहाँ पे दोस्तों एक कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ पे भी कैपेसिटर है और इधर भी कैपेसिटर है दोस्तों। मैं जूमिंग कर लेता हूँ और इसकी थोड़ा इसका डिटेल में बताऊँगा दोस्तों आपको। यहाँ पे देखना दोस्तों एक कैपेसिटर है यहाँ पे, ये देखना है, इसकी चेक करते हैं। ये देखना दोस्तों यहाँ पे फुल शॉट बता रहा है दोस्तों, ये दोस्तों फुल शॉट है, ये देखना फुल शॉट है। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटर हुए हैं, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। यहाँ पे भी दोस्तों शॉर्ट बता रहा है दोस्तों, हमारा कैपेसिटर इसमें से एक ही शॉर्ट होगा दोस्तों। देखना दोस्तों हमारा कैपेसिटर ये वाला फुल शॉर्ट बता रहा है दोस्तों। फुल शॉर्ट कैपेसिटर हम पहचानेंगे दोस्तों कैसे? दोस्तों फुल शॉर्ट कैपेसिटर क्या होता है कि अगर फुल शॉर्ट कैपेसिटर हो तो उसकी रीडिंग अगर फुल शॉर्ट होता है तो उसकी जीरो आती है, 1 2 3 4, जैसे कि इसमें देखना अभी 8 तक रुकती है, जैसे हटाता हूँ तो 8 तक आती है, 7 के बीच में, 6 के बीच में आती है दोस्तों, उसकी एकदम वैल्यू गिर जाती है। देखना इसकी मैं एकदम लगाऊंगा, इसकी वैल्यू एकदम गिर जाती है। देखना दोस्तों 0.0 आ रही है और इसकी देखना वैल्यू दोस्तों, इसकी एक वैल्यू आ रही है दोस्तों। देखना दोस्तों इसकी 1 और 7 आ रही है दोस्तों, हमारे ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट है, फुल शॉर्ट है दोस्तों ये वाला। देखना दोस्तों ये हमारा फुल शॉर्ट है दोस्तों, इसकी वैल्यू भी 0 जा रही है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये वाला रिमूव करना है, पहले ये वाला हम रिमूव करेंगे। ये देखना मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला कैपेसिटर दोस्तों हम रिमूव करेंगे। एक बार देख लेते हैं दोस्तों, शायद आ जाए साफ करने से, शायद आ जाए। एक तो सेट की बैटरी डाउन है, इसकी वजह से ऑन नहीं हो रहा सेट। ये देखना दोस्तों वाइड डिस्प्ले की प्रॉब्लम है। अब दोस्तों मैं इसका एक कैपेसिटर निकालता हूँ, कैपेसिटर आपको ये वाला निकालना है। देखना दोस्तों मैंने इसे रिमूव कर दिया है, अब मैं ऑन करके देखता हूँ इसे। ऑन नहीं हो रहा है, दोबारा ऑन करता हूँ। देखना दोस्तों वाइड डिस्प्ले की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है दोस्तों। हमारा ये वाला कैपेसिटर एक रिमूव करना पड़ा था दोस्तों, ये हमारा फुल शॉर्ट था
और हमारी शॉर्टिंग निकल गई है और इसकी वाइड डिस्प्ले की प्रॉब्लम दूर हो गई है। दोस्तों इस सैमसंग के सेट में वाइड डिस्प्ले की प्रॉब्लम जब ही आती है जब हमारा कोई कैपेसिटर शॉर्ट होता हो। देखना इसका कैपेसिटर, अब इसकी शॉर्टिंग निकल गई होगी, देखना हमारा यहाँ भी शॉर्टिंग बता रहा था उस टाइम, देखना हमारी शॉर्टिंग यहाँ से निकल गई है। ये देखना आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये दोस्तों ग्राउंड का पॉइंट है और ये प्लस वाला है, और इधर देखना दोस्तों यहाँ पे भी शॉर्टिंग बता रहा था, इस साइड भी शॉर्टिंग बता रहा था, यहाँ पे भी शॉर्टिंग निकल गई है दोस्तों हमारी शॉर्टिंग निकल गई है। और आपको यहाँ पे देखना, अब अच्छे से मैं बता दूँ, यहाँ पे देखना दोस्तों एक कैपेसिटर होता है, इसको रिमूव कर देना है और यह दोस्तों इसमें से एक चेक कर लेना है हमारा फुल शॉर्ट कौन सा है। दोस्तों शायद ज़्यादातर यही होता है दोस्तों, या इनमें से एक चेक कर लेना, आप इसको रिमूव कर देना, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। दोस्तों सब्सक्राइब से ये होता है कि आपको अच्छी अच्छी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी।